While we're at it, on the lighter side of they've been bombarding me with questions. They said, "Jab Bachchan sir aayenge, do char cheezein nikalwaye." Sir, are you really a strict person? Yeah. Sir, monosyllabic also means one word means. नहीं आपने पूछा कि स्ट्रिक्ट है कि नहीं मैंने बोल दिया हाँ यू डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड आई एम वेटिंग अब अगर आप पूछते हैं कि कैसे स्ट्रिक्ट हो तो मैं आपको वो भी बोलूंगा नहीं सर द थिंग इज द अदर थिंग आई वाज वेटिंग आई सेड सर हिंदी में कब बोलेंगे सर हिंदी में कब बोलेंगे बुलवाया के नहीं हिंदी में लेडीज एंड जेंटलमैन वुड यू लाइक सर टू स्पीक इन द मातृभाषा Alright. मुझे कहा गया था कि सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो क्यों? मैं रिजर्वेशन को तोड़ना नहीं चाहता था सर चौकड़ी देखिए सबके सब ब्राउन कलर के सबको हिंदी आती है अंदर से मतलब पटर पटर अंग्रेजी बोलते हैं बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ओके सर वी वांट टू गो बैक टू योर कॉलेज डेज कोई एक किस्सा सुनाइए शुद्ध हिंदी में कॉलेज के दिनों का समथिंग दैट यू रिमेंबर ये बहुत गलत प्रश्न पूछिए आपने क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद यहाँ पर जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनके अनुकूल नहीं होगा सर सब 18 के ऊपर है डोंट वरी नहीं ऐसी बात नहीं है कोई भी इस तरह की बात नहीं कहूँगा अब जब इंटरव्यूज के लिए पहुँचे वहाँ ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस में तो उनने उनको देखा उनने और हमने कहा क्या करना चाहते हैं तो हमने स्कूल में सीनियर अकेडमी क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स पाए थे ए वगैरह पाए थे तो हमने कहा साइंस करें उन्होंने एडवाइस भी किया देखिए ये साइंस आपके लिए बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होगा आप व्हाई डोंट यू टेक लिटरेचर और समथिंग लाइक दैट तो हमने कहा कि नहीं हमको साइंस करना है साहब और अगर आपको देना तो दीजिए वरना हम किसी और कॉलेज में जा रहे हैं तो कुछ कर कुरा करके हमने साइंस ले लिया और जिस दिन पहला सब्जेक्ट हुआ पहली क्लासेस हुई उसी दिन 45 मिनट्स में पता चल गया कि हमने गलत डिसीजन तो मेरे लिए जो अगले 3 साल थे वो बहुत ही भयानक थे क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये BSc होता क्या और अगर आज भी आप मुझसे पूछेंगे कि ओम्स लॉ कम से कम आप बता दीजिए तो मुझे उसके बारे में भी कुछ पता नहीं सो आई फेल्ट कि अगर मुझे मालूम होता कि मैं एक फिल्म एक्टर बनना चाहता हूँ या कला की दृष्टि में जाना चाहता हूँ तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता पुणे इंस्टीट्यूट ही होता अगर मुझे उसके बारे में जिज्ञासा होती तो मैं शायद अपने 3 साल वहाँ बिताना चाहता ताकि मैं अपनी कला को और उभार सकूँ मैं अगर आप सच्ची में पूछें तो मैं ऐसा लगता है कि वो 3 साल मेरे लिए एक तरह से वेस्ट हो गए ये बहुत ही बुरा एग्जांपल है मैं जानता हूँ आप सब लोगों के लिए बट आई जस्ट फेल्ट कि अगर वो 3 साल मुझे पहले से पता होता कि मैं इसी एक दिशा में जाना चाह रहा हूँ तो उसका सही उपयोग करता सो दोज आर द बेस्ट डेज एंड थिंग्स दैट आई रिमेंबर देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी रियली कांट टॉक अबाउट पब वगैरह डिस्को ये सब जाना अब आम सुनने को मिलता है हमारे ज़माने में किसी कॉफ़ी शॉप में चले गए अगर अपने आप तो बहुत बड़ी बात होती थी और अपना झुंड लेकर के हम लोग कभी कभी किसी एक कॉफ़ी शॉप में बैठ गए और वहाँ पर हमारे जो माता पिता की कोई सहेली थी उन्होंने देख लिया उन्होंने जा करके कहा कि आपको मालूम है आपका बेटा फलां कॉफ़ी शॉप में फलां लड़की के साथ बैठा हुआ था और कॉफ़ी पी रहा था आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस तो मेरी माता जी ने उनको जवाब दिया थैंक गॉड ही इज नॉर्मल